गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. तो अपने चैप्टर हाइड्रोजन के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन. एंड इन दैट केस फर्स्ट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर, द एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड विच इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन नेचर इन वेरियस फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है आपको. तो एज यू नो वाटर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. विदाउट वाटर हम एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ और सर्वाइवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे. यू नो 75% ऑफ वाटर ऑन अर्थ पर 75% वाटर प्रेजेंट है, ठीक है. एंड 65% इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडीज में 65% इज वाटर. और अगर आप बात करें प्लांट्स की तो 95% इन प्लांट्स. वाटर इज अ कंपाउंड विच इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स इन नेचर. इट इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर या इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर सॉरी स्टीम. एंड इट इज ऑल्सो फाउंड टू एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है. एज यू नो वाटर is said to be a wonder liquid or it is also known as universal solvent, ठीक है. तो why is it said to be a wonder liquid? Wonder liquid इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम लाइफ की एग्जिस्टेंस या लाइफ का सर्वाइवल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे इन एब्सेंस ऑफ वाटर. तो वाटर जरूरी है हमारे सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारे बॉडी में होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं दे ऑल अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट, एज अ मीडियम, ठीक है. एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. बोथ द कंपाउंड्स इट कैन डिजॉल्व ionic compounds as well as it can dissolve covalent compounds. और ये क्यों है? The universal solvent or universal solvent behavior of water is due to its highly polar character. आपको पता है water molecule is a polar molecule capable of showing you hydrogen bonding. So because of its extremely polar character and ability to form hydrogen bond, hydrogen acts as a universal solvent. Ionic compounds are soluble in water due to ion dipole interactions. मतलब जो सॉल्यूट के आयन्स हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट है इसके बीच देयर इज एन आयन डायपोल इंट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस वजह से है? दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर. इवन ग्लिसरॉल जैसा हैवी ऑर्गेनिक कोवेलेंट कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये हम लोग अपने अर्लियर चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं. सो एज यू नो के व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन फ्लोरिन और नाइट्रोजन, तो इन दैट केस हाइड्रोजन गेट्स अ स्ट्रांग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और ऐसी हाइड्रोजन जब किसी दूसरे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन के कॉन्टैक्ट में आती है तो इसके बीच एक स्ट्रांग इंट्रैक्शन डेवलप होता है एंड दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हेयर वाटर इज हैविंग द टेंडेंसी टू शो हाइड्रोजन बॉन्ड. इन लिक्विड स्टेट इट कैन मेक फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एक वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में चार हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है. आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल का शेप कैसा है? इट इज बेंट और वी शेप.
because of sp3 hybridization and two lone pair on oxygen. तो ऐसे केस में हर वाटर मॉलिक्यूल टोटल फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है. लाइक दिस एंड सो ऑन. ठीक है, तो अगर हम बात करें वाटर की एग्जिस्टेंस इन वेपर स्टेट, तो इन वेपर स्टेट ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड इन लिक्विड स्टेट इट एग्जिस्ट एज हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और आपको पता है वाटर की बहुत सी स्पेशल पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं दैट आर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एक्सेप्शनली हाई melting point and boiling point is due to hydrogen bonding. तो according to molecular mass हम जैसा इसका melting point या boiling point expect करते थे इसके melting और boiling points उसके comparison में कहीं बहुत ज्यादा है. So it is because of its hydrogen bond. ठीक है, दूसरा एक और important behavior अगर आप देखें density of ice is lesser than density of liquid water. Reason यहां पर भी reason same है कि because of hydrogen bonding. Ice की case में जो water molecules हैं वो आपस में combine करके ऐसे cage like structures बना लेते हैं. एंड ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइल डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर एज कंपेयर टू आइस. ठीक है, इसी तरह से वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी है 1 ग्राम पर ml. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने लगती है और डेंसिटी कम होने लगती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोज आने लगते हैं. अगर आप 4 डिग्री से कम करते हो तो फिर ये फ्रीजिंग की तरफ प्रोसीड करता है और जब फ्रीजिंग होती है तो आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं to form the cage-like structures because of hydrogen bonding and again the density is less. ठीक है, so it shows a maximum density of 4 degree Celsius at room temperature of 1 gram per ml. ठीक, so ये एक general introduction हुआ about water. And if we look at the physical properties of water, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में यू विल ऑब्जर्व वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड. ठीक है, वाटर का अपना ना कोई कलर होता है ना टेस्ट होता है और ना ही कोई अपनी स्मेल होती है. ठीक है, बाकी चीजें आप देख चुके हैं, हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट और अ गुड सॉल्वेंट और वंडर लिक्विड अगेन बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो नाउ अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज विच वी ऑब्जर्व इन हाइड्रोजन इज आर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. तो अगेन वाटर आप कह सकते हैं इज अ वेरी वर्सेटाइल सब्सटेंस और वर्सेटाइल कंपाउंड विच कैन शो यू वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एम्फोटेरिक
एम्फोटेरिक का मतलब आपको पता है, इट बिहेव्स बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस. एज यू नो वाटर अंडरगोज सेल्फ आयनाइजेशन, और व्हेन देयर इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. So in this case, one of the water molecule loses the proton, another one gains the proton. So one of the molecule is behaving as acid and the another one is behaving as base. So it can act as acid or base depending upon the nature of other compound with which it is acting. For example, if we talk about with acids, so with acids it acts as a base. For example, an acid like HCl, when dissolved in water, it gives you hydronium ion and chloride ion. So here you have seen that water has acted as proton acceptor, and as it is acting as proton acceptor, it is behaving as base, right? Or agar aap baat karo with base, so when it reacts with base, it acts as, of course, with base it acts as acid. For example, if you talk about the base like ammonia, the water reacts with ammonia to form ammonium ion and hydroxide ion. So in this case, water is acting as proton donor. Proton donor means here it is acting as acid. So aap keh sakte hain ki acid ke sath it behaves as base aur base ke sath it behaves as acid. ठीक है. Another important property is its ability to participate in redox reaction. And here also water can act both as oxidizing agent as well as reducing agent. So another property after amphoteric behavior you can take here as oxidizing agent. With active metals as well as non-metals, it acts as an oxidizing agent. With active metals like sodium, potassium, magnesium, etc. So in that case, for example, sodium reacts with water to get oxidized to sodium oxide and hydrogen gas is released. Aur ye jo sodium oxide banta hai, as it is water soluble, it immediately gets dissolved in water, resulting in formation of sodium hydroxide along with hydrogen. Right? So in this case, you will observe K for active metals like sodium, potassium, water is acting as a strong, is as acting as oxidizing agent. Not only with metals, it can oxidize also non-metals also. Matlab ki aisa nahi hai ki sirf metals ko hi oxidize kar sakta hai, even it can oxidize with to non-metals also. So with non-metals, carbon in the form of red hot coke reacts with steam at high temperature, and in that case carbon is oxidized to carbon monoxide. So it shows the oxidizing behavior of water. Okay, another property of water that it can also behave as reducing agent. Oxidizing agent तो था ही था, साथ साथ it is also a reducing agent. So with the highly electronegative metals, sorry non-metals, you can say with highly electronegative
elements. In that case, it acts as a reducing agent. For example, if we talk about fluorine, when reacts with water, so this results in formation of hydrogen fluoride and oxygen gas is released. So in this case, you have seen it is acting as, yes, it is acting as oxidizing, reducing agent, where fluorine is being reduced to hydrogen fluoride. Similarly, a very important reaction that is the case of photosynthesis. So in photosynthesis, carbon dioxide ka reduction hota hai in presence of sunlight and chlorophyll. And here your carbon dioxide is reduced to give you glucose. So in this case you have seen कि यहाँ पर भी वाटर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है टू गिव यू ग्लूकोज राइट. अनदर टाइप ऑफ प्रोसेस और रिएक्शंस जो हमें वाटर के केस में मिल सकते थे वो क्या है, दैट इज देयर हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस. So again, water can hydrolyze number of compounds, number of metal oxides as well as non-metal oxides. For example, calcium oxide, when hydrolyzed with water, it gives you calcium hydroxide. If it is a case of sulfur dioxide, it is hydrolyzed with water to form sulfurous acid. And the और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन ऑक्साइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर इट गिव्स यू सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड. सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं दैट शो द हाइड्रोलिटिक बिहेवियर ऑफ वाटर. अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज the property of hydrate formation. तो different ionic compounds के साथ water bind होता है in a fixed number in the form of water of crystallization. And because of these water of crystallization, the compounds get hydrated. ठीक है, for example आप देख सकते हैं a very well known example copper sulfate pentahydrate, जहां पे copper sulfate के साथ 5 water molecules present hai as water of crystallization. And this copper sulfate pentahydrate, because of blue color, is also known as blue vitriol. Similarly, another one is ferrous sulfate heptahydrate, where jahan par aapke paas 7 molecules of water of crystallization hai, and because of its green color, it is also known as green vitriol. And another example आप ले सकते थे barium chloride dihydrate. So water has tendency कि ये different ionic compounds के साथ combine हो सकता है in different numbers, resulting in formation of different hydrates. अब इन hydrates में water molecule किस तरह से attached है उसके basis पे इन hydrates को हम अलग अलग categories में classify कर सकते हैं. सो टाइप्स ऑफ हाइड्रेट की बात करें अगर आप, तो फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रेट्स हियर आर कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इन हाइड्रेट्स में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड है बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो आप कह सकते हैं
कि वाटर इज बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम बाय coordinate bond. For example, the complex of chromium, hexaqua chromium chloride. तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो with chromium 3 positive ion 6 water molecules attached हैं because of hydrogen coordinate bond. ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए यहाँ पर इसके साथ अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो इट इज अ केस ऑफ कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटेड हाइड्रेट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड CrH2O6Cl3, दैट इज हेक्साएक्वा क्रोमियम क्लोराइड. जहां पर आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल क्रोमियम एटम के साथ अटैच्ड है बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसलिए इन हाइड्रेट्स को हम क्या नाम देते हैं, दीज आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉरी कोऑर्डिनेटेड हाइड्रेट्स. नेक्स्ट केस जो हाइड्रेट्स हो गए, सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रेट्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स. सो हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स एज द नेम शोज, ये वो हाइड्रेट्स हैं जहां पर वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ एनायन. ठीक है, इस केस में आप एग्जाम्पल ले सकते थे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का. इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो कॉपर में यहाँ पे पांच वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पांच में से चार वाटर मॉलिक्यूल्स तो कॉपर के साथ अटैच्ड हैं बाय मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. राइट, और एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इनके और सल्फेट आयन के बीच एक्ट करता है एज अ ब्रिजिंग ग्रुप बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखिए यहां पर ये चार वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ये आ गया फिफ्थ वाटर मॉलिक्यूल जो इधर से ऐसे कोऑर्डिनेटेड है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा वाला सल्फेट आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है. तो आपने देखा पांच में से चार वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और पांचवा वाटर मॉलिक्यूल इस ग्रुप और ये सल्फेट आयन को ज्वाइन करने का काम करता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ सल्फेट आयन एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो दीज टाइप ऑफ हाइड्रेट्स आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स. एंड द थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रेट्स जो आपको मिलते हैं यहाँ पे, दीज आर वॉट द थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रेट्स हियर आर इंटरस्टीशियल हाइड्रेट्स. तो इंटरस्टीशियल हाइड्रेट्स मतलब जहां पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इन द इंटरस्टीशियल स्पेसेस ऑफ द कंपाउंड. और इंटरस्टीशियल स्पेसेस आपको पता होते हैं, व्हाट आर इंटरस्टीशियल स्पेसेस, जब एटम्स या आयंस कंबाइन करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनमें जो वैकेंट स्पेस छूट जाते हैं बाय द कॉम्पैक्ट पैकिंग, जैसे आपने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा हुआ है कि बाय द कॉम्पैक्ट पैकिंग ऑफ एटम्स और आयंस सम वैकेंट स्पेसेस आर लेफ्ट, जिनको हम इंटरस्टीशियल स्पेसेस बोलते हैं. तो कुछ कंपाउंड्स में वाटर इंटरस्टीशियल स्पेसेस को ऑक्यूपाई करता है. तो इन दिस केस यू कैन से वाटर ऑक्यूपाइज इंटरस्टीशियल स्पेसेस.
So in that case, interstitial hydrate ka example you can take here is barium chloride dihydrate. So this barium chloride dihydrate is the example of interstitial hydrates, right? So these are the various chemical properties that you observe in case of water. Apne next lecture mein hum log discuss karenge about hard and soft water. Goodbye till then.